आज हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा है वो क्रिएटिंग अ सिंपल अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन PHP, ठीक है। यानी कि अगर हमको एक अटेंडेंस लेनी है, मान लीजिए अपने किसी भी, ये अटेंडेंस आपके एम्प्लॉई की हो सकती है, एम्प्लॉयज की हो सकती है, स्टूडेंट्स की हो सकती है, कुछ भी, बेसिकली कंसेप्ट एक ही जैसा रहता है। तो हम लोग अब इसमें जो चीज़ सबसे पहले करने वाले हैं, हमने अपना एक HTDocs के अंदर एक हमने नया अटेंडेंस मैनेजमेंट बनाना है, एंड इसमें हमें addEmployee.php हमने क्रिएट किया। addEmployee.php के अंदर हम लोगों को जो सबसे पहले फाइल्स चाहिए होंगी, एक हमें फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्म के थ्रू हम लोग वैल्यूज लेने वाले हैं, तो इनपुट रिमेंबर हम लोग ये बहुत बेसिक सा बना रहे हैं, ठीक है। जो प्रोडक्शन लेवल में चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सारे और तरह के कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं, एक बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए ये चीज़ बनाई जा रही है। सो नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे नेम है ऑब्वियसली एम्प्लॉय का, ठीक है, एंड प्लेस होल्डर इक्वल टू इनका नेम। प्लेस होल्डर से फॉर्म में जो भी चीज़ें फॉर्म के बीच में इनपुट में आपको दिखाई दे रहा है कि क्या करना है, हम तीन चीज़ें अभी एड कर रहे हैं, नेम, ईमेल, फोन, ठीक है, और मान लीजिए चौथी एक और हम करा लेते हैं, डेजिग्नेशन, ठीक। पोजीशन या ऐसे हमने डेस्क कुछ भी शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो नेम, ईमेल, एंटर, नेम, एंटर, ईमेल, एंटर, फोन, एंटर, डेजिग्नेशन, ये हम लोगों का एक एम्प्लॉय जो हम लोग अंदर से क्रिएट करेंगे। इसमें मेथड फॉर्म मेथड में हम पोस्ट लेने वाले हैं, सो ये हम लोग का इनपुट हो गया। इसके बाद हम एक ऑब्वियसली इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट भी देते हैं, जब तक हम सबमिट नहीं देंगे हमारा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा और हमको ये वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे। इसका मान लीजिए सब इसमें प्लेस होल्डर होता नहीं है, इसमें हम लोग वैल्यू इज इक्वल टू एंटर, ठीक है। सो ये हमने किया। नेक्स्ट पार्ट जो होगा कि हमको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, जिस डेटाबेस में एक टेबल होगा जिसमें ये सेव होगा, ठीक है। पर सेव होने से पहले हम लोग एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो भी वैल्यूज यहाँ से आएंगी, ठीक है, सिंपली जो भी हमने यहाँ से वैल्यूज पोस्ट की वो जो है आ रही है कि नहीं। चार वैल्यूज हैं हमारे पास, नेम, ईमेल, फोन और पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि अगर हमारा बटन सेट है, यानी कि जिस बटन का नाम सब है, अगर वो सेट है तभी हम नीचे की वैल्यूज को प्रिंट कराएं। तो हम लोग का एक बेसिक कोड बन गया। ना हमको लोकल होस्ट को ओपन करना है और इसमें हमको अपना अटेंडेंस मैनेजमेंट ओपन करना है। इसके अंदर हमने एड एम्प्लॉय को क्लिक किया, तो हमने फिर से हम देख ले रहे हैं
अब यहाँ पे हम अभी जस्ट टेस्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट पार्ट में कि मान लीजिए कुछ ये वैल्यूज एटलीस्ट जो है सेंड होके आ जाए, ठीक है, पोस्ट होके हमें दिखने लगे। सो ये वैल्यूज हमें दिखने लगी, दैट मीन्स कि अब ये वैल्यू हम लोग की यूज के लिए तैयार है। नेक्स्ट पार्ट जो आपको करना है, मेक श्योर कि आपके जैम कंट्रोल पैनल में माई एस क्यू एल रन कर रहा हो, ठीक है। हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो डेटाबेस ओपन करने के लिए आपको लोकल होस्ट PHP माई एडमिन ओपन करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जैम ही यूज़ कर रहा हो, ठीक है, अपने अपने वर्जन से आदमी यूज़ करता है, कोई एम्स सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, तो जिस भी तरह से वो अपने PHP माई एडमिन में लॉगिन करते हैं वो उनको ट्राई करना है। जैम में हम लोग जब लॉगिन करते हैं तो हमसे कोई, क्योंकि हमने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अभी नल रख रखा है तो वो कुछ पूछता नहीं है। कई जगहों पे जैम में लॉगिन से करने से पहले पासवर्ड पूछता है तो वो एंटर हो गया। मान लीजिए हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, हमें इस डेटाबेस का नाम रखना है अटेंडेंस, ठीक है, और इसे क्रिएट करना है। ये हम लोगों का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को एक टेबल क्रिएट करना है। पहला मान लीजिए ये टेबल है एम्प्लॉई, ठीक है। सो एम्प्लॉई में हमारे पास कितने कॉलम हो सकते हैं, यहाँ पे हमें नेम सेव कराना है, ईमेल सेव कराना है, फोन सेव कराना है और पोजीशन सेव कराना है। तो हम इसमें जब जाएंगे तो एम्प्लॉय में हमें चार चीज़ें सेव करानी है, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा आईडी के पर्पस से। सो ये हमारा एक टेबल आ गया हमारे सामने जिसमें हमें आईडी, जिसको इंट 11, ये आईडी हम लोगों की, हम लोग एज प्राइमरी की सेट करने वाले डिफॉल्ट सेटिंग के साथ और ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट करने वाले। अगला कॉलम हम सिंक्रोनाइज करते हैं नेम वेयर कैर है, और हम मान के चलते कि मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स होंगे नेम में। ईमेल को भी हम वेयर कैर लेते हैं और मान के चलते हैं कि हम करीब 100 कैरेक्टर्स ले सकते हैं, इसमें भी 100 कर लेते हैं। ऑब्वियसली जो मैक्सिमम हमें लगता है कि होना चाहिए वो हम लेंगे। नेम ईमेल के बाद फोन है, फोन में हम 15 कैरेक्टर्स ले लेते हैं, और लास्ट जो हमारे पास है वो है डेजिग्नेशन, यानी पोजीशन हम पोस्ट ले लेते हैं, एंड वेयर कैर कुछ 30 ले लेते हैं कि 30 से ज़्यादा नहीं है। ये हमने थोड़ा हायर एंड में रखी है ये वैल्यूज, और आप इनको जैसे नेम किसी का 55 कैरेक्टर हो गया, ईमेल हो गई आपकी, है ना, ये आपको इस हिसाब से वैलिडेशन लगा के भी काम कर सकते हैं। आपने जो चीज की है इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें आईडी को प्राइमरी की यहाँ से डिक्लेयर किया है डिफॉल्ट सेटिंग के साथ, और इसे ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट पे लगाया है। AI मीन्स ऑटोमेटिक इनका बढ़ जाएगा, है ना, हर बार ऑटो इंक्रीमेंट होगा, एक वैल्यू बढ़ेगी एक बढ़ जाएगा। ये बहुत बेसिक सेटिंग्स हैं, हम लोग इसमें कुछ भी एडवांस लेवल पे नहीं कर रहे। इसके बाद आपको ये सब करके सेव करना है, चाहो तो इसका SQL भी देख सकते हो। हम लोग अभी जो सीधे ऑप्शन लेवल से मैनेज कर रहे हैं इन चीज़ों को,
आप ये चीज़ें SQL से भी मैनेज कर सकते हैं, SQL लिख के भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सो अब जो है हमारे एक टेबल रेडी, ठीक है, डेटाबेस रेडी। हम लोगों को जब इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर लिया हमने, हाँ ये सब सेट हो रहा है, हम लोगों को एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेनी चाहिए, ठीक है। एक एक हमेशा फाइल ऐसी बना लेनी चाहिए जो आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो सके। जैसे इस केस में मैं उसका नाम db.php लिख रहा हूँ। db.php को हम ओपन करेंगे और हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे डेटाबेस से। हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत है, होस्ट, यूज़र नेम यानी उस डेटाबेस को एक्सेस करने वाला यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का खुद का नाम, डीबी नेम, ठीक है। होस्ट हम लोग के केस में 127.0.0 और 1 या सिंपल हम लोकल होस्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर आईपी भी लिख सकते हैं, आईपी भी लिख सकते हैं। कई बार MySQL जो होता है, जब हम लोग रिमोट MySQL से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में ये 127.0.0.1 नहीं होता है, उस केस में यहाँ पे सर्वर का आईपी एड्रेस होता है और कुछ पोर्ट भी होता है, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस और पोर्ट हमको लिखना होता है। इस केस में हम लोग लोकल होस्ट या 127.0.0.1 से भी काम चला सकते हैं। हम लोग के बाय डिफॉल्ट यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड नल है और डेटाबेस नेम है अटेंडेंस, ठीक है। ये हम लोगों की सेटिंग्स हैं। डेटाबेस का नाम है अटेंडेंस, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, वो बाद में आएगा, ठीक है। एंड ये 127.0.0.1 ठीक है। यहाँ पे आप आईपी भी लिख सकते हैं। आपको अब एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो इक्वल होगा MySQLi_connect, ठीक है। हम अब कनेक्ट में चार वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। पहली वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है होस्ट, ठीक। दूसरी वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी रूट, सॉरी यूज़र नेम। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं, लोकल होस्ट रूट पासवर्ड। हाँ, हम लोग इसको थोड़ा इस तरह से कर रहे ताकि समझ में इजीली आए, ठीक है। एंड लास्ट वैल्यू आपकी डीबी नेम, ठीक। हम लिख सकते हैं और डाई कुड नॉट कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट नहीं हो तो ये प्रिंट हो गया। तो ये एक हमने ऐसा लिखा और ये जो डीबी है हम लोग इसको एक बार यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। कुछ ये अभी आपको एरर दिखा रहा है कि लाइन 5 पे कुछ एरर है, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। एरर रिपोर्टिंग ऑन होगी तो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, अब इसने कोई एरर नहीं दिखाया, हम कुछ इसका ये चेंज करके देखते हैं तो आपको कुड नॉट कनेक्ट MySQL एरर मिल गया। दैट मीन्स इस केस में आपका कनेक्शन हो गया है, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब आपने
इस केस में आप करेंगे इंक्लूड डीबी डॉट पीएचपी को, ठीक है, जो आरपीओ फाइल, ये इट इज सेम एज राइटिंग ये यहाँ पे, मतलब हम लोग यहाँ पे ये लिख दें तो भी वही बात है, और इस तरह से लिखे तो भी वही बात है ना, अलग फाइल। इससे होगा क्या कि अलग अलग जगहों पे जब हमें अलग अलग जगह से कोई कमांड चलाना होगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को अब एक SQL कमांड लिखना है, ठीक है, इंसर्ट। हमेशा आप इस तरह से एक बार जैसे यहाँ पर आइए, आप एक बार जो है चेक कर सकते हो, मान लीजिए आप SQL में आते हैं एंड आप इसमें से इंसर्ट चूज कर लीजिए, ठीक है। रिमेम्बर ID हम लोगों की प्राइमरी की है, इसलिए हम उसको इंसर्ट नहीं कराएंगे, और यहाँ पे वैल्यूज भी इसीलिए एक कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिए, और हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यूज एंटर करा देते हैं, ठीक है। और ये कमांड हम जब रन करेंगे तो ये कह रहे हैं एक रो इंसर्ट होगी, जब हमने इसमें ऐसे सेलेक्ट किया तो एक नंबर पे ये आ गया रिकॉर्ड, ठीक। तो दैट मीन्स कि हम लोग का वो इंसर्ट चल रहा था, इस कमांड को हम जो हम लोग की वर्किंग कमांड थी उसको हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ये एम्प्टी प्लेस होल्डर्स के साथ आपका आ रहे हैं ना, चार वैल्यूज तो से ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ये आपका SQL कमांड हो गया अभी के केस में, ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि थोड़े एरर के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ऐसा बना लेते हैं नेम डॉलर ईमेल डॉलर फोन एंड डॉलर बॉक्स, ठीक है। ये जो वैल्यूज होंगी ये उसी सीक्वेंस में होंगी जिस सीक्वेंस में आपका लिखा गया, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, जब रियल में हम लिखते हैं तो हम इसमें MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग एंड इस टाइप के फंक्शंस यूज करते हैं टू रिमूव SQL इंजेक्शन एंड ऑल। अभी ये कोड वल्नरेबल है बट हम लोग कंसेप्ट समझने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, हम लोग रियल एस्केप स्ट्रिंग चीजें यूज करते हैं ना, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी हम लोग इस चीज पे नहीं आ रहे हैं। अभी हम लोग ये ताकि SQL इंजेक्शन या स्पेशल कैरेक्टर्स जो यूज करके अगर हमारे सिस्टम को कोई चेंज करना चाहता है तो वो ना कर सके। अब इस ये हमने यहाँ पे लिखा, इसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। आपको एक रिजल्ट वेरिएबल लिखना है,
रिजल्ट वेरिएबल होगा माय sqli underscore query, ठीक है। इसके अंदर दो वैल्यूज पास होती हैं, पहला होता है आपका माय sqli जो हमने db.php में वेरिएबल डिक्लेयर किया, और दूसरा होगा हम लोगों का sql, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमने पास कर दी। यहाँ पे भी हम और डाई कुड नॉट कनेक्ट करके भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पे ये भी इनको करा सकते हैं कि अगर रिजल्ट हो जाता है, रिजल्ट सक्सेसफुली एंटर है, तो ई को डेटा एंटर सक्सेसफुली है ना। पहले इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। सो एड एम्प्लॉय में गए, नेम अभी ठीक है। अब यहां से हम एक सेलेक्ट चलाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वर्क, एंड यू कैन सी कि वो डेटा यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपने इम्प्लॉय को ऐड करना देख लिया, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ये किया कि अगर रिजल्ट एम्प्टी है आप इको कर दो कि रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, अगर नहीं है तो आप इको कर दो कि रिकॉर्ड इंसर्टेड, यानी कि रिजल्ट में अगर कुछ वैल्यू है, रिजल्ट जो है आपका पास हुआ, मान लीजिए हम एक और कोई मान लीजिए ऐड करते हैं रजत, डेजिग्नेशन कुछ भी ऐसा डेजिग्नेशन देखिए सेल्स एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, रिकॉर्ड इंसर्टेड टेस्ट, तो आपके पास दो रिकॉर्ड हो गए, जिसमें जो हम लोगों के रिपीट हो रहे रिकॉर्ड हम उनको डिलीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी ये कोई रियल डेटा नहीं है, बट इस तरह से आप अपने एम्प्लॉइज को ऐड करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जैसे एक छोटा सा कोड बनाते हैं जहाँ पे हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज करते हैं, तो हम कुछ इसका नाम रखते हैं व्यू एम्प्लॉय डॉट पीएचपी, ठीक है। आपने इसको कहा व्यू एम्प्लॉय, अगेन हम पीएचपी रन करेंगे एंड व्यू एम्प्लॉय के लिए हम लोग इस फाइल को इंक्लूड करेंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया जो हम लोगों ने यहाँ पे एसक्यूएल क्रिएट किया था, वो एसक्यूएल होगा यहाँ का सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि तो अब हम इसमें व्यू करना चाहते हैं ना, हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सो हमने सेलेक्ट लिखा, बट इसको हमको किसी SQL में देना पड़ेगा, ठीक है। SQL इज इक्वल टू ये, अगेन आप जो है यही कोड फिर से लिखेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू माय SQL, ठीक है। क्योंकि ये जो वेरिएबल आ रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम db.php, ओके। तो अब आपका जो है यानी कि रिजल्ट में कुछ वैल्यू है, रिजल्ट ने कुछ
पैच कर लिया है इस केस में। और वो क्या पैच किया है, अभी के केस में ये दो रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे पास, हो सकता है ये दो रिकॉर्ड आगे जाके कोई और भी आए, जो अभी ये हम लोग के पास मान लीजिए दो रिकॉर्ड्स हैं, एक ये, ठीक है। तो ये जो दो रिकॉर्ड्स हैं ये हम लोगों को दिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो रिकॉर्ड फेच करने वाले हैं, तो उसके केस में भी हमको इस टाइप का ये वहां पे टेबल शो करना पड़ेगा रिकॉर्ड डिस्प्ले करते टाइम, ताकि हमको दिखाई दे कि किस तरह से रिकॉर्ड जो है फेच हुए हैं। तो इसमें आप जो है पहला चीज जो आप करेंगे वो करेंगे कि फॉर ईच एक लूप लगाएंगे, बिकॉज जो हम लोग का रिजल्ट है वो एक एरे में, कई रिजल्ट्स आपके फेच हो रहे हैं, एरे क्या होता है, जहाँ पे रिजल्ट में जब आपके पास एक कलेक्शन हो एलिमेंट्स का जिनका डेटा टाइप सेम है, ये एरे की डेफिनेशन है इस तरह से, ठीक है। जैसे एरे ऑफ फ्रूट्स जिसमें मैंगो है, गुआवा है, एप्पल है, बनाना है, एक डेटा टाइप के, ठीक है। हम लोग इसमें करते हैं फॉर ईच रिजल्ट एस डॉलर रिजल्ट, मान लो रो, ठीक है, और ईच रिजल्ट एज रो, हम हर रो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। आप यहाँ पे सबसे पहले सिंपली इको करा दीजिए टेस्ट करने के लिए कि पहली बार कि क्या कोई रिजल्ट आ रहा है, रो आईडी, ये आईडी आपकी कहाँ से आ रही है, इस जगह से, ये जो आईडी सेक्शन है हम लोगों का, ठीक है, ये आईडी, तो ये जो कॉलम है हम लोगों के, ये कॉलम नेम्स ही हम लोगों के रो के साथ ऐड होंगे, ये सारे कॉलम नेम्स। तो इसके लिए हम गए एंड आपने कहा रो आईडी, एक बार इको कराते हैं। सो हमारा सिस्टम दो आईडी रिटर्न कराना चाहिए, हमारे सिस्टम को दो आईडीज रिटर्न कराना चाहिए। आपने यहाँ पे किया और एड एम्प्लॉय की जगह पे आपको यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय चेक करना है, और आपका सिस्टम दो आईडी रिटर्न करा रहा है, हम देख सकते हैं एक टू और एक फोर, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है ना, एक टू एक फोर, आपका एक रिकॉर्ड आ रहा है, डेट मीन्स कि और रिकॉर्ड्स भी आएंगे। अब हम एक यहाँ पे मान लीजिए टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो एक आपका टेबल कुछ इस तरह से बन सकता है, आपने कहा इको टेबल, ठीक है, और इस टेबल में जो चीज़ बार बार रिपीट होगी वो है रो, तो आपने ये लिख दिया टीआर, ठीक। अब जब ये ख़त्म हो गया फॉर ईच लूप, इसके बाद आपने फिर से बनाया एक और टेबल बनाया, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वन, यहाँ पे हम डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते एट्रीब्यूट में, क्योंकि हमने डबल कोट से ओपन किया है, ठीक है, हमें करना है तो उसके लिए हमें उसे स्केप करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये टी आर भी एंड होगा, ठीक है, जो हम लोगों का इवन जो फर्स्ट कॉलम आएगा, फर्स्ट रो जो आएगी उसमें आपका टी डी जो होगा एक टी एच होगा, बेसिकली हेडिंग टोटल ये चार होंगे, चार हेडिंग्स है ना अपने पास, तीन चार, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग क्या है, आईडी, सेकेंड हेडिंग क्या है, नेम, थर्ड हेडिंग है ईमेल, फोर्थ हेडिंग है फोन,
फिफ्थ हेडिंग है ना, पोजीशन। ठीक है, तो फर्स्ट रो तो आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, सेकंड रो जो आपकी शुरू होगी वो बार बार रिपीट होगी। तो इसको हम लोग बता देते हैं, ये कह रहे हैं आपसे वो बीम पे, तो बीम प्लेसेस पे ये भी तो नहीं। सो हम यहाँ पे इको करा रहे हैं, ठीक है, हम लोगों का जो डेटा आएगा, ठीक है, हर केस में एक रो पूरी रिटर्न होगी ऐसा, है ना, विद 5 TD, है ना, किसी में 1 होगी और किसी में 2 होगी, और ये आपका एक बेसिक हुआ, ठीक। एक बार बंद, अब हमको इसमें बहुत सारा कंकैटिनेशन करना पड़ेगा, जैसे पहले केस में डॉलर रो आईडी, ठीक है, और यही सीक्वेंस जो है हर टीडी में चलेगा। इस केस में डॉलर रो नेम फोन, हम यहाँ किसी भी सीक्वेंस में दिखा सकते हैं, डॉलर रो ईमेल POS पोजीशन नंबर डिसाइड, ठीक है, देखते हैं कि क्या इसमें अभी एरर शो करता है, क्या शो करता है। हमने एक बार में सो जब हम लोग का ये प्रिंट होके आया तो 2-4 अभी बजर जो भी हम लोग वहाँ पे आ रहे थे टेबल, आप देख रहे हो कि इस टेबल का ही वहाँ पे जस्ट आपका एक तरह से रेप्लिका आ गया है, ठीक है। सो ये अभी हम लोगों ने जो अभी तक इस पार्ट में किया अपने अटेंडेंस मैनेजमेंट के, उसमें हम लोगों ने आपका एम्प्लॉय को क्रिएट किया और रीड किया, ये दो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए। एम्प्लॉयज हम लोग के अब क्रिएट हो रहे और हम लोग के एम्प्लॉयज रीड हो रहे, जिससे आपका सिस्टम अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए आप पहले, ठीक है, इसके पहले जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब यहाँ तक पहुँचने के पहले आपको ऑपरेटर्स, लूप्स, एरेज, इन सबको इंडिविजुअली भी पढ़ लेना चाहिए, है ना, लूप्स क्या हैं, एरेज क्या है, इफ एल्स कंडीशंस क्या हैं, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे कंकैटिनेशन किया है, ये स्टार्टिंग लेवल में बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, आदमी को समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है किस तरह से, और जब आप कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कंकैटिनेट करेंगे, लिखेंगे, टेबल्स प्रिंट करेंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, तो वो आप कीजिए। अब यहाँ पे जैसे एक हम लोग के पास है जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आपको देखना है कि यहाँ पे पूरा टेबल और उसका हेडिंग प्रिंट कराया गया, ठीक है, ये पार्ट आपका रिपीट नहीं हो रहा है लूप में, इसलिए इसको लूप के बाहर रखा गया है, ये पार्ट आपका रिपीट नहीं हो रहा है लूप में, एक ही बार प्रिंट हुआ है, इसलिए इसको लूप के बाहर रखा गया है,
जो हम लोगों का ये वाला पार्ट है ना, ये रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड आएगा, तो इसीलिए इसमें फॉर ईच लगाया गया, लेकिन हर रिकॉर्ड के लिए ये एक नई रो प्रिंट करे, टी आर, हर रिकॉर्ड के लिए एक नई रो प्रिंट हो जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, तो हर रिकॉर्ड के लिए एक नई रो प्रिंट होगी और वो ये आपको शो होगी। बेसिक्स हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कीजिए और बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।